ये जो पीठी वाली पूरी है इसके लिए पीठी तैयार करनी है। और ऐसा अभी भी समझा जाता है कि जो घी है, जो देसी घी है, उससे ज़्यादा प्योर कोई भी मीडियम नहीं है कुक करने के लिए। जी। थोड़ा सा जीरा, इलायची, दालचीनी, इसके साथ थोड़ा धनिया। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी पहले डाल देनी चाहिए थी, फिर कोई बात नहीं, अभी भी डालेंगे, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो है हींग। और इसके साथ ये उड़द की दाल, ये जो उड़द की दाल है इसको हमने भिगो के रखा हुआ है, करीब 2 घंटे तक इसको भिगो के रखें, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर नमक, ये जो नमक है सी सॉल्ट, मोटा वाला जो नमक है, और थोड़ा सा इसको तीखा बनाने के लिए हरी मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी, और अब ये जो दाल है इसे हमने पीसना है। खैर, ये जो पीठी है ये तैयार हो गई है, इसे बहुत ज़्यादा एकदम महीन नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा दाल आनी चाहिए। इसके लिए जो आटा गूंदा है, पूड़ी का जो नॉर्मल आटा रहता है, आटे के अंदर नमक, थोड़ा सा तेल और पानी। अच्छा, मुझे हमेशा जब भी मैं आपका कोई कार्यक्रम देखता हूँ तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपके जितने भी सब कैरेक्टर्स हैं वो बड़े सॉफ्ट से कैरेक्टर्स नज़र आते हैं। आप, गुस्सा कभी आता है नहीं आता है? नहीं, बहुत कम आता है। हाँ हाँ, लेकिन नहीं रियल लाइफ में? नहीं, रियल लाइफ में बहुत कम आता है। अगर आता भी है तो मैं उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर देती हूँ, एज इन आई स्टॉप द आर्ग्यूमेंट। जो चीज़ मुझे ज़्यादा टेंशन देती है, गुस्सा दिलाती है, मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। अच्छा, आई गेस मेरी शक्ल ही कुछ ऐसी पाई है, जैसे आपने भी शायद खाना खजाने मुझे सात्विक खाने में चुना है। तो मैं घर में यही बात कर रही थी आने से पहले, तो पापा और मम्मी कह रहे थे कि शायद, बट दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड देयर डॉटर टू बी प्रेजेंटेड दैट वे। बट आई गेस सच है, आई एम अ वेरी काम पर्सन, मे बी बिकॉज ऑफ डांस एंड म्यूजिक। सो आई से दैट, या ओके, मतलब उसकी वजह से शायद आपका जो मेंटल पीस होता है या योर बेसिक सराउंडिंग इज वेरी वेरी इन ट्यून। ओके, देयर इज नॉट लाइक फ्रीक्वेंसी लेवल एकदम हाई जाके लो नहीं होती, इट्स ऑलवेज बैलेंस्ड आई थिंक। तो ये अब स्टफ हो गई है, इसके अंदर ये जो दाल पकाई थी, जो पीठी बनाई थी, वो इसको स्टफ कर लिया और अब इसे बेल लेते हैं। और ये जो पूड़ी है इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टफिंग है इसलिए, हाँ, थोड़ी मोटी रखेंगे हम। गर्मा गर्म घी के अंदर, वैसे अगर तेल में भी फ्राई करना हो तो उसमें भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो पूड़ी तैयार हो गई। पीठी वाली पूड़ी के लिए 1.5 कप आटा, 1/2 कप धुली हुई उड़द की दाल, 3 बड़े चम्मच देसी घी, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 3 छोटी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया, चुटकी भर हींग, नमक स्वादानुसार, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और तलने के लिए तेल। इसके लिए धुली हुई उड़द की दाल को 2 कप पानी के अंदर कुछ घंटों तक भिगो कर रखें और इसे छान लें। अब एक पैन में घी गर्म करके इसमें जीरा, इलायची, दालचीनी, सूखा धनिया, हींग और भीगी हुई उड़द की दाल डालकर कुछ देर तक पकाएं। इसमें नमक, हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिला लें और इसे बारीक पीस लें। आटे में नमक, थोड़ा सा तेल और पानी डालकर गूंद लें और इसे करीब 15 मिनट तक ढक कर रखें। अब इसके पेड़े बना लें और इसे फ्लैट करें और इसके अंदर दाल की पीठी डालें और इसको बंद कर लें। और अब इसको बेलकर पूड़ी का आकार दे दें और एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसको अच्छी तरह से तल लें और गर्मा गर्म सर्व करें।